सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नर्मदा देवासी, आप देख रहे हैं एआर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रोज एक टारगेट, 30,000 सैलरी पर रखे एक्सपर्ट बदमाश, कंपनी कल्चर वाली गैंग को पकड़ा पुलिस ने। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा 5 दिन के झालावाड़ दौरे पर, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर किया स्वागत। स्कूल की रात को गिरी छत, सुबह हो सकता था बड़ा हादसा। 35 साल से चल रहा है ये पुरानी बिल्डिंग में स्कूल। सुअर को फंसाने के लिए बिछाया था जाल, फंस गया तेंदुआ, दहाड़ सुनकर लोगों को मिली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 30,000 रुपए सैलरी पर काम करने वाले चोरों की। जयपुर पुलिस ने कंपनी कल्चर वाली चोरों को गैंग को पकड़ा है। गिरोह का सरगना बदमाशों को रोज एक चोरी का टारगेट देता था। टारगेट पूरा करने पर कॉर्पोरेट कल्चर की तरह इंसेंटिव भी देता था। गैंग के गुर्गे वाहन चुराने से लेकर उसे ठिकाने लगाने, पार्ट्स काटकर बेचने और बचे हुए माल को डंप करने में एक्सपर्ट है। इन्हें अलग अलग मंथली पैकेज पर रखा था। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने गिरोह के 10 बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास से कबाड़ में तब्दील हो चुकी बाइक, स्कूटी, बैटरी, ई रिक्शा सहित दर्जनों वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अब यह गैंग करोड़ों के व्हीकल्स कबाड़ में बेच चुकी है। पुलिस गिरफ्त में आए सभी बदमाश के पास वाहन चोरी से लेकर वाहन को काटने और बाजार में स्क्रैप के रूप में बेचने का काम था। इस गैंग को इरफान और मोहम्मद मोहसिन ऑपरेट कर रहे थे। गिरफ्तार मोहम्मद हासिल कुरैशी, इमरान भूरा, जीलू कुरैशी, रवि राठौड़ के पास दिन और रात में वाहनों की रेकी करने और मौका पाकर चुराने का काम था। गैंग का सरगना इरफान भी वारदात करने के लिए कई बार इन लड़कों के साथ फील्ड में जाया करता था। वाहन चोरी करने के बाद उसे ठिकाने लगाने का काम मोहम्मद मोहसिन के पास था। मोहसिन चोरी की गई बाइक या स्कूटी को अपने गुप्त ठिकानों पर ले जाता और वहां काट कर उनके पुर्जे अलग करता था। इसके बाद खुद को लोडिंग वाहन से अलग अलग जगहों पर सप्लाई कर दिया जाता। इमरान उर्फ इम्मू का काम इरफान के साथ मिलकर कबाड़ हुए माल को कबाड़ी तक पहुंचाने का था। वहीं जगदीश कुमार उर्फ जग्गी और इमरान कुरैशी स्क्रैप माल को खरीदने और उसे आगे सेल आउट करने का काम करते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी इरफान ने बताया कि गिरोह के लड़कों को बकायदा तनख्वाह पर रखा हुआ था। एक लड़के को 1,000 रुपये डेली की सैलरी दी जाती थी। इसके लिए एक वाहन चुराने का टास्क भी देता था। सप्लाई के लिए 1,000 से 2,000 में लड़के काम करते थे, जो कबाड़ हुए माल को बताए गए स्थान तक पहुंचाते थे। आरोपी इरफान और मोहम्मद मोहसिन ने कई लड़कों को पैसों का लालच देकर चोरी के काम में मिला रखा था। इरफान और मोहसिन, इन दोनों की एक जॉइंट वेंचर में इन्होंने एक गैंग खड़ी की है, जिसमें इन्होंने कुछ लोगों को तो दिहाड़ी पर चोरी करने के लिए रखा, जो हर रोज जाके वाहन चोरी करके लाते। वाहन चोरी करके लाकर इरफान ने अपने घर पर ही इस वाहन को काटने के। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 5 दिवसीय झालावाड़ के दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन वसुंधरा राजे आज खानपुर विधानसभा क्षेत्र का तूफानी दौरा कर रही है। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक नरेंद्र नागर, जिला अध्यक्ष संजय जैन, श्री कृष्ण पाटीदार सहित दर्जनों पदाधिकारी भी काफिले के साथ मौजूद रहे। झालावाड़ डाक बंगले से खानपुर क्षेत्र के लिए निकली वसुंधरा राजे मुंडेरी, मंडावर, बाघेर, मरायता, पनवाड़, सारोला व खानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों व आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया और राजे को फूल मालाओं से लाद दिया। राजे के सुरक्षा कर्मियों को भी इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित करने में मशक्कत करनी पड़ी। वसुंधरा राजे समर्थकों के हुजूम के बावजूद गाड़ी से नीचे उतरकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से मिली और उनके हाल जाने। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त
उत्साह दिखाई दे रहा है और जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए हैं। वसुंधरा राजे दिवंगत भाजपा नेताओं के शोकाकुल परिवार से मिलने भी उनके घर पहुंची और शोक संवेदना प्रकट की। वसुंधरा राजे कल मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी, जिसकी तैयारियों में क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया सहित सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। उदयपुर के नई बस्ती कुंडली में राजकीय विद्यालय की छत ढह गई। गनीमत यह रही कि यह छत रात को गिरने से मासूमों की जान बच गई। मामला कुछ इस प्रकार है कि झल्लारा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कराकला गांव नई बस्ती कुंडली में बीती रात विद्यालय के बरामदे की छत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हीरालाल मीणा ने जानकारी के अनुसार जान माल की कोई हानि नहीं होना बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि गनीमत रही कि रात का समय था, यदि यह दुर्घटना विद्यालय के समय में होती तो इसकी परिस्थिति कितनी गंभीर और भयंकर हो सकती थी। जानकारी के अनुसार वर्तमान भवन 35 वर्ष पुराने भवन में संचालित है एवं वर्तमान में पास में एक कक्ष में पढ़ाई संचालित है। इसके अलावा पूरा भवन जर्जर था। इसके बारे में और पुनर्निर्माण हेतु समय समय पर संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं प्रशासन को पत्र के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। एक तेंदुआ चित्तौड़गढ़ जिले के आसावरा माताजी के पहाड़ी इलाके में तालाब के पास लगे जाल में जाकर फंस गया। उसकी दहाड़ सुनकर लोगों को जानकारी मिली। जाल सुअर को फंसाने के लिए बिछाया गया था, मगर तेंदुआ फंस गया। सूचना पर वन विभाग टीम के मौके पर पहुंची। भीड़ को हटाने के लिए 3 थानों के जाब्तों को बुलाना पड़ा। टीम ने पैंथर को रेस्क्यू कर सीता माता के वन में छोड़ दिया। इन दिनों खेतों में सुअर के घुस जाने से ग्रामीणों काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों ने सुअर को घुसने से रोकने के लिए जाल लगाया हुआ है। जाल को ऊपर से झाड़ियों से ढक रखा था। आवरी माता मंदिर के पास पहाड़ी इलाका है, उसके तलहटी में तालाब भी है। वहां अक्सर पैंथर जंगल से पानी पीने या शिकार करने आते हैं। जाल के नहीं दिखने से तेंदुआ जाल में फंस गया। सुबह उसकी दहाड़ सुनकर ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच अशोक रायका को इसकी जानकारी दी। किसी भी ग्रामीण ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। पूर्व सरपंच ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। सूचना पर वनपाल शैतान सिंह मौके पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ से भी एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया। बस्सी से शूटर अजीज मोहम्मद भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद तेंदुआ को ट्रेकुलाइज करके उसकी बेहोश किया गया। रेस्क्यू कर सीता माता सेंचुरी में छोड़ दिया गया। वनपाल शैतान सिंह ने बताया कि तेंदुआ 3 साल का नर है। पैंथर पूरी तरह स्वस्थ है, फिर भी पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर उसकी जांच करवाई गई। राजसमंद जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत टीमों ने 250 किलो मावा और 80 किलो मिलावटी मिल्क केक सीज किया है। होली के त्योहारों से पहले बड़ी मात्रा में होलसेलर के पास मिले मिलावटी मावा को लेकर अन्य दुकानदारों में खलबली मच गई। मिल्क केक गुजरात से ट्रेवल्स बस में मंगवाया गया था। विभाग ने फिलहाल मावा और मिल्क केक को सीज कर जांच के लिए उदयपुर सैंपल भेज दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र सैनी और शशिकांत शर्मा ने बताया कि नाथद्वारा के कुम्हारवाड़ा स्थित प्रतिष्ठान श्रीनाथ मावा व मिष्ठान भंडार को संचालित करने वाला व्यापारी मांगीलाल डांगी जिले भर में मिलावट वह हल्की क्वालिटी का मावा और मिल्क केक जिले भर में दुकानदारों को सप्लाई करता है। इस मावा और मिल्क केक को भी सप्लाई की जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही टीम ने कार्रवाई कर प्रतिष्ठान पर उपलब्ध मावे और मिल्क केक के शक के आधार पर सीज किया। मावा और मिल्क केक का सैंपल लेकर उदयपुर स्थित जाँच प्रयोगशाला में भेजी गई है। शर्मा ने बताया कि प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट मिलने पर SSI एक्ट के नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सामग्री फेल पाए जाने पर पूरी सामग्री नष्ट कर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। वैसे तो सैंपल की जांच 14 दिन में आती है, लेकिन जल्द सैंपल की जांच देने के लिए प्रयोगशाला में बात की गई है। अभियान के तहत नाथद्वारा के गांव बिलोता में संचालित एक किराना स्टोर से मिर्च पाउडर और बिलोता में संचालित महादेव डेयरी से मिक्स दूध का सैंपल लिया गया। जिले में अभियान के तहत अब तक कुल 170 सैंपल लिए गए हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना व RCT संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को रेल मगरा ब्लॉक में अड़किया गांव में राजविका के समूह की महिलाओं की 6 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ।
इस प्रशिक्षण में आर्थिक स्तर पर कमजोर महिलाओं को एलोवेरा से बनाए जाने वाले उत्पाद, सोप, सर्फ, हैंड वॉश, जेल, अमृत धारा, नीम से निर्मित सोप आदि उत्पादों को घर पर बनवाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया, ताकि इन उत्पादों को बनाकर महिलाएं रोजगार से जुड़े और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर अपनी आजीविका बढ़ाए। और अंत में महिलाओं ने गाँव में ही रैली निकाल कर अमृत महोत्सव महिला दिवस के पखवाड़े के रूप में कुपोषण से आज़ादी है तो ग्राम में सभी को जागरूक का संदेश दिया। समापन के इस अवसर पर LDM स्टेट बैंक प्रकाश चंद्र शर्मा, आर सेट्टी, डायरेक्टर तेज कुमार, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक रेलमगरा अमित जोशी, आर सेट्टी फैकल्टी राजेंद्र कुमार, RP शिवलाल बेराकी व ट्रेनर मीना सोनी व कृषि सखी, पशु सखी व समूह की महिलाएँ भी मौजूद रही, जिसमें हमने नील बनाना, लिक्विड सोप, फिनाइल बनाना, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सरफ, वेसलीन इत्यादि की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें हमने खुद प्रैक्टिकल करके भी ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और अगर हमें कुछ एक बार अगर नहीं समझ में आया या दो बार नहीं समझ में आया तो सर ने और मैडम ने हमें काफ़ी अच्छे से उसको समझाया है, जिससे कि हमें ये ट्रेनिंग मिली है कि हम इनको अच्छे से बनाएँ और आगे अगर हम कोई भी काम करें या कुछ भी हमें अगर दिक्कत आए तो सर हमेशा हमारी हेल्प करेंगे। भीलवाड़ा जिले के आसिन मंडल रोड पर ट्रक और मिनी ट्रक की गुरुवार रात आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवर घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा के मांडल थाना प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि गुरुवार रात आसिंद मांडल रोड पर एक ट्रक और मिनी ट्रक के बीच टक्कर हो गई। मिनी ट्रक में सवार लोग चने की फसल बेचकर घर लौट रहे थे। ट्रक आसिंद की तरफ से आ रहा था। हादसे में ट्रक ड्राइवर मंगलवार निवासी भेरू अहिर और मिनी ट्रक में सवार रायला निवासी जितेंद्र गंभीर घायल हो गए। जितेंद्र ने अस्पताल ले जाते रास्ते में दम तोड़ दिया। ट्रक ड्राइवर की भेरू की अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। दोनों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई। पोस्टमार्टम कर आज सुबह परिजनों को शव सौंपा गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों वाहनों को जब्त किया है। बसों में यात्रा करने वालों को सामान व नकदी चोरी करने के मामले में भीलवाड़ा जिले के मंडल थाना पुलिस ने 4 राज्यों में सक्रिय एक गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह के सरगना समेत पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली पूछताछ में आरोपियों ने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व यूपी से अलग अलग जिलों में वारदात करना कबूल किया है। साथ ही राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर व जयपुर के कई थाना इलाकों में राहगीरों का सामान के चोरी की है। इसी गिरोह ने मांडल थाना क्षेत्र से गुजर रही एक बस में सवार महिला के सामान की 13 फरवरी को चोरी करना कबूल किया। मांडल थाना प्रभारी मुकेश वर्मा ने बताया कि 13 फरवरी को शाहपुरा से सूरत सिंह का खेड़ा निवासी भंवर कंवर पत्नी बलबीर सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि जीवलिया जाने के लिए मांडल चौराहे में बस में बैठी थी। उसके साथ उसका बैग भी था जिसमें उसके गहने थे। जब वह जीवलिया पहुंची तो उसके बैग में गहने नहीं थे। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए हरियाणा के हिसार के सोरखी निवासी सुनील सांसी पुत्र सुरेश सांसी, धर्मवीर पुत्र बनवारी सांसी, सुनील पुत्र तारा सांसी, सतवान पुत्र रामकिशन सांसी व सूरज भान उर्फ भाना पुत्र फूल सिंह सांसी को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने महिला के अलावा भी कई बसों व बस स्टैंड से सामान चोरी करने की वारदात को कबूल किया है। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रोज एक टारगेट, 30,000 सैलरी पर रखे एक्सपर्ट बदमाश, कंपनी कल्चर वाली गैंग को पकड़ा पुलिस ने। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा 5 दिन के झालावाड़ दौरे पर, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर किया स्वागत। स्कूल की रात को गिरी छत, सुबह हो सकता था बड़ा हादसा। 35 साल से चल रहा है ये पुरानी बिल्डिंग में स्कूल। सुअर को फंसाने के लिए बिछाया था जाल, फंस गया तेंदुआ। दहाड़ सुनकर लोगों को मिली जानकारी। तो दीजिए इजाजत नर्मदा को और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलीशान AR न्यूज।